हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेल। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी प्रकार की बेल हम बनाने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन चटनी और ऑनियन एंड टोमेटो को इसी प्रकार से हमने कट कर लिया है। इमली की चटनी ले ली है और पोटैटो को हमने बॉईल करके इसी प्रकार से कट कर लिया है। धनिया पत्ता लिया है, सेव ली है और मुरमुरे लिए हैं जिसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ऑयल में, नमक एंड हल्दी एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के। एंड ये तीखी पूरी है जो मैंने रेसिपी शेयर की है एक वीडियो में। आप चाहे तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक पतीली में हम मुरमुरे ऐड करेंगे, उसमें आलू बॉईल किया हुआ ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। टोमेटो मैंने कट किया हुआ है वो टोमेटो एंड ऑनियन को मैं ऐड कर रही हूँ। सेव को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने जो पूरी बनाई हुई थी उसको इसी प्रकार से कट करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो पानी पूरी की जो पूरी आती है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ये वाली पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इमली की चटनी एंड ग्रीन चटनी मैंने बनाई हुई है उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो की लिंक भी आपको चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी भी ऐड कर दी है, अभी हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको पतला भी बना सकते हो। और अभी मैं इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच इमली की चटनी ऐड कर दी है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर के बदले आप चाहे तो ग्रीन चिलीज को भी कट करके ऐड कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिकॉज जो हमने पूरियाँ बनाई थी एंड मुरमुरे बनाए थे उसमें ऑलरेडी हमने ये सभी चीज़ों को ऐड किया हुआ है, तो अगर आप ऐड करना नहीं चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर इसी प्रकार से सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी एक प्लेट में हम उसको निकाल देते हैं। तो मैंने एक प्लेट में उसको निकाल दिया है, अभी धनिया से हम उसको गार्निशिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो बेल है वो एकदम से रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।